हिंदी माध्यम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 8 चतुर्भुज की प्रश्नावली 8.2 के सभी सातों प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न एक में हमें दिया गया एबीसीडी एक चतुर्भुज है, जिसमें पी जो है वो एबी का मध्य बिंदु है। ठीक है, पी जो है एबी का मध्य बिंदु है, तो ये पी बिंदु ले लिया जो कि एबी का मध्य बिंदु है। उसी तरह Q जो है वो BC का मध्य बिंदु है, Q जो है BC का मध्य बिंदु है। उसी तरह R जो है वो CD का मध्य बिंदु है, R जो हो गया CD का मध्य बिंदु, और S जो है वो DA का मध्य बिंदु है, तो S DA का मध्य बिंदु हो गया। ठीक है, अब हमने इन सब मध्य बिंदुओं को जोड़ दिया। AC जो है विकर्ण है, हमने एक AC विकर्ण खींच दिया। ठीक है, अब हमें दर्शाना है, इस प्रश्न के तीन भाग है। पहले भाग में हमें बताना है कि SR समानांतर होगा एसी के, तो एस आर और एसी समानांतर होंगे और एस आर बराबर 1/2 एसी होगा। ठीक है, ये पहले भाग में हमें दर्शाना है। दूसरे भाग में हमें बताना है पी क्यू बराबर एस आर, पी क्यू और एस आर आपस में बराबर होंगे, ये हमें दूसरे भाग में बताना है। तीसरे भाग में हमें बताना है पी क्यू एस आर जो है एक समांतर चतुर्भुज होगा है। ठीक है, तो अब हम इन तीनों भागों को सिद्ध करेंगे एक एक करके। आइए अब हम इस प्रश्न के पहले भाग को हल करते हैं। त्रिभुज एडीसी में, यह हरे त्रिभुज में, ठीक है, एस जो है वो भुजा डीए का मध्य बिंदु है, एस जो है वो डीए का मध्य बिंदु है। उसी प्रकार आर जो है वो सीडी का मध्य बिंदु है, आर जो है वो सीडी का मध्य बिंदु है, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, एस और आर जो है मध्य बिंदु है वो हमें प्रश्न में दिया गया है। अब हमने अध्याय 8 के एक मध्य बिंदु प्रमेय पढ़ी थी, प्रमेय 8.9, इसका भी हमारा वीडियो है, आप उसे अवश्य देखें। प्रमेय 8.9 या मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं। ठीक है, यहाँ पर त्रिभुज एडीसी जो हरा वाला त्रिभुज है, इसमें एडी भुजा का मध्य बिंदु है एस, एडी का मध्य बिंदु एस और सीडी का मध्य बिंदु आर। ठीक है, इन किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। ठीक है, तो एस आर इनको मिला रहा है, को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर, तीसरी भुजा यहाँ पर कौन सी हो गई, एसी, क्योंकि त्रिभुज एडीसी है, तीसरी भुजा कौन सी हो गई, एसी, तीसरी भुजा के समांतर होता है और तीसरी भुजा का आधा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर क्या कह सकते हैं, जो एसआर है वो एसी का, एसी के समानांतर होगा, एसआर समानांतर एसी और एसी से आधा होगा। ठीक है, तो ऐसा समानांतर है एसी के, इसको हम मान लेते हैं समीकरण एक, और एसआर एसी का आधा होगा, इसे हम मान लेते हैं समीकरण दो। और हमने पहले भाग को यहाँ सिद्ध कर दिया जो हमें पहले भाग में सिद्ध करना था, एस आर समानांतर एसी के और एस आर बराबर 1/2 एसी। तो पहले भाग के लिए हम लिख देंगे इति सिद्धम। प्रश्न के दूसरे भाग को हल करते हैं। त्रिभुज एबीसी, ये जो पीला वाला त्रिभुज है त्रिभुज एबीसी, इसमें पी जो है भुजा एबी का मध्य बिंदु है, पी भुजा एबी का मध्य बिंदु है प्रश्न में दिया गया हमें, और Q जो है वो भुजा BC का मध्य बिंदु है, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। फिर वही प्रमेय 8.9 मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं। ठीक है, अब त्रिभुज ABC में देखिए, ABC एक भुजा है, इसका मध्य बिंदु हो गया P, उसी तरह BC एक भुजा है, इसका मध्य बिंदु होगा Q। इन दोनों भुजाओं को अगर हम जोड़ते हैं, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है, तीसरी भुजा यहाँ कौन सी है, AC। ठीक है, तीसरी भुजा है AC, तो ये जो PQ है ये AC के समांतर होगा और तीसरी भुजा का आधा होगा। ठीक है, तो ये जो PQ है ये AC के समानांतर होगा, तो PQ समानांतर AC कह देंगे हम, इसे हम कह देते हैं, मान लेते हैं समीकरण तीन, और PQ AC का आधा होगा। ठीक है, प्रमेय 8.9 से इसे हम मान लेते हैं समीकरण चार। समीकरण दो में हमने निकाला था SR जो है वो AC का आधा है, SR बराबर 1/2 AC। उसी तरह समीकरण चार में हमने निकाला था PQ बराबर 1/2 AC। अब आप देखिए SR भी जो है 1/2 AC के बराबर है और PQ भी 1/2 AC के बराबर है, तो समीकरण दो और समीकरण चार बराबर हो गए। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो PQ है वो और SR है वो आपस में बराबर होंगे, तो PQ बराबर SR होगा, इसे हम मान लेते हैं समीकरण पांच। और इस भाग में हमें क्या सिद्ध करना था, PQ बराबर SR, तो हमने सिद्ध कर दिया PQ बराबर SR, तो हम लिख देंगे इति सिद्धम भाग दो के लिए।
आइए अब हम इस प्रश्न के तीसरे और आखिरी भाग को हल करते हैं, जिसमें हमें पी क्यू आर एस को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। एस आर समानांतर है एसी के, ये हमने समीकरण एक में निकाला था। एस आर और एसी समानांतर है। उसी प्रकार समीकरण तीन में हमने निकाला था पी क्यू और एसी समानांतर है, तो पी क्यू और एसी समानांतर है। समीकरण एक और समीकरण तीन को हल करें तो देखिए एस आर जो है वो एसी के समानांतर है और पी क्यू भी एसी के समानांतर है, तो हम कह सकते हैं पी क्यू और एस आर आपस में समानांतर होंगे। तो हमने यहाँ कह दिया पी क्यू और एस आर, ये दोनों आपस में समानांतर होंगे। इसे हम मान लेते हैं समीकरण छह। समीकरण पांच में हमने निकाला था पी क्यू और एस आर आपस में बराबर हैं, और समीकरण छह में हमने निकाला था पी क्यू समानांतर होगा एस आर के। ठीक है, पी क्यू और एस आर बजाय आपस में समानांतर भी होंगी। अब हमने प्रमेय 8.8 का वीडियो में पढ़ा था, कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है कब, यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर भी हो और समांतर भी हो। तो यहाँ पर देखिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, चतुर्भुज पी क्यू आर एस, ये जो चतुर्भुज है चतुर्भुज पी क्यू आर एस, इसमें समान सम्मुख भुजाएं पी क्यू और एस आर, पी क्यू और एस आर, ये जो सम्मुख भुजाएं पी क्यू और एस आर, ये बराबर भी हैं और समानांतर भी हैं। तो हम क्या कह सकते हैं प्रमेय 8.8 से पी क्यू आर एस क्या होगा, हमारा एक समांतर चतुर्भुज होगा। पी क्यू आर एस हमारा एक समांतर चतुर्भुज होगा, और यही हमें सिद्ध करना था इस भाग में। तो हम कह देंगे इति सिद्धम। प्रश्न दो। प्रश्न दो में हमें दिया गया है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, तो हमने एक समचतुर्भुज बना लिया ए बी सी डी। हमें समचतुर्भुज के बारे में पता है, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। हमें और दिया गया पी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, क्यू जो है बी सी का मध्य बिंदु है, आर जो है सी डी का मध्य बिंदु है, और एस जो है डी ए का मध्य बिंदु है। अब हम इन चारों मध्य बिंदुओं को मिला देते हैं तो हमें एक चतुर्भुज मिल जाता है पी क्यू आर एस। तो हमें इस प्रश्न में दर्शाना है कि ये जो चतुर्भुज है वो एक आयत होगा। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस एक आयत है। आयत की परिभाषा हमने अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में पढ़ी थी। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हों और सभी कोण 90 डिग्री के हों वो आयत कहलाता है। तो यहाँ पर हमें पी क्यू आर एस में बताना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा कि सम्मुख भुजाएं बराबर हैं और सभी कोण जो है 90 डिग्री के हैं, तब हम कह पाएंगे कि पी क्यू आर एस जो है वो एक आयत है। अब हम इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। शीर्ष ए और शीर्ष सी को जोड़ें, ए और सी को जोड़ दिया हमने, शीर्ष बी और शीर्ष डी को जोड़ें, बी और डी को जोड़ दिया हमने। ठीक है, अब त्रिभुज बी सी डी में, ये जो हरा वाला त्रिभुज है बी सी डी, इसमें आप देखिए क्यू जो है बी सी भुजा का मध्य बिंदु है और आर जो है वो सी डी भुजा का मध्य बिंदु है। ठीक है, क्यू बी सी का मध्य बिंदु है और आर सी डी का मध्य बिंदु है। अब हमने इस अध्याय की प्रमेय 8.9 में पढ़ा था किसी त्रिभुज की, ठीक है, यहाँ पर त्रिभुज कौन सा बीसीडी, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्यू जो है बीसी का मध्य बिंदु है और आर जो है सीडी का मध्य बिंदु है, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। ठीक है, मिलाने वाला रेखाखंड कौन सा है, क्यू आर। ठीक है, दोनों मध्य बिंदुओं को मिला रहा है, तीसरी भुजा के समांतर भी होता है और उसका आधा भी होता है। ठीक है, तीसरी भुजा कौन सी है यहाँ पर हमारी, बी डी, ये तीसरी भुजा है इस त्रिभुज की। ठीक है, तो क्या होगा, क्यू आर बराबर 1/2 BD होगा, आधा हो गया क्यू आर। ठीक है, तीसरी भुजा से आधा हो गया मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, और इसे हम क्यू आर और बी डी। ठीक है, तो क्यू आर जो है हमारा वो बी डी का आधा हो गया। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं समीकरण एक, और क्यू आर बी डी के समानांतर भी होगा, इसे हम मान लेते हैं समीकरण दो। ये कहाँ से आया, प्रमेय 8.9 से, मध्य बिंदु प्रमेय से। अब त्रिभुज एबीडी में हम देख लेते हैं, पीले वाले त्रिभुज में पी जो है भुजा ए बी का मध्य बिंदु है दिया गया प्रश्न में, एस जो है भुजा डी ए का मध्य बिंदु है ये प्रश्न में दिया गया है। वही प्रमेय 8.9, यहाँ पर देखिए त्रिभुज एबीडी के दो भुजाओं के मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु पी और डी ए का मध्य बिंदु एस, तो इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, तीसरी भुजा यहाँ पर कौन सी, बी डी है, कि समानांतर भी होगा और उससे आधा भी होगा। ठीक है, यही प्रमेय 8.9 हमारी कहती है। तो हम कह पाएंगे कि जो पीएस है वो बीडी का आधा होगा, पीएस बीडी का आधा होगा, इसे हम मान लेते हैं समीकरण तीन, और पीएस बीडी के समानांतर भी होगा प्रमेय 8.9 से, इसे हम मान लेते हैं समीकरण चार।
समीकरण एक में हमने निकाला था क्यू आर बराबर एक बटा दो बी डी, क्यू आर बराबर एक बटा दो बी डी। उसी प्रकार समीकरण तीन में हमने निकाला था पी एस बराबर एक बटा दो बी डी, पी एस बराबर एक बटा दो बी डी। अब आप देखिए समीकरण एक और समीकरण तीन में दाई तरफ एक बटा दो बी डी है, तो हम लिख सकते हैं समीकरण एक बराबर समीकरण दो, ठीक है। तो इसके बाई तरफ भी आपस में बराबर होंगे, तो हम क्या पाएंगे पी एस बराबर क्यू आर, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं समीकरण पी एस बराबर क्यू आर हो गया हमारा, इसे हम मान लेते हैं समीकरण पांच। समीकरण दो में हमने निकाला था क्यू आर और बी डी जो आपस में समानांतर हैं। उसी प्रकार समीकरण चार में हमने निकाला था पी एस और बी डी आपस में समानांतर हैं। अब समीकरण दो और चार में देखिए क्यू आर बी डी के समानांतर है और पी एस भी बी डी के समानांतर है, तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में समानांतर होंगे, तो हम कह देंगे पी एस समानांतर होगा क्यू आर के, पी एस और क्यू आर आपस में समानांतर होंगे। इसे हम मान लेते हैं समीकरण छह। समीकरण पांच में हमने निकाला पी एस और क्यू आर आपस में बराबर हैं, समीकरण छह में हमने निकाला पी एस और क्यू आर आपस में समांतर भी हैं। अब हमने इसी अध्याय की प्रमेय 8.8 में पढ़ा था, कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का जो एक युग्म है वो बराबर भी हो और समांतर भी हो। तो यहाँ पर देखिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, ठीक है, पी एस और क्यू आर, पी एस और क्यू आर सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर भी हैं और समानांतर भी हैं। तो हम यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो हमारा चतुर्भुज पी क्यू आर एस है वो क्या होगा, हमारा एक समानांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। तो अभी हमने पी क्यू आर एस को एक समांतर चतुर्भुज निकाल लिया, ठीक है। अगर पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है तो उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, तो पी क्यू और एस आर ये बराबर होंगी आपस में, पी क्यू और एस आर आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो पी क्यू बराबर एस आर को हम मान लेते हैं समीकरण सात, पी क्यू बराबर एस आर को हमने मान लिया समीकरण सात। हमें प्रश्न में दिया गया है ए बी सी डी जो है वो एक समचतुर्भुज है, ठीक है। तो समचतुर्भुज है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, इसको हम मान लेते हैं ए, चारों भुजाओं की लंबाई हमने मान ली ए। अब हमें दिया गया है पी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, क्यू जो है बी सी का मध्य बिंदु है, आर जो है सी डी का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो पी बी, पी बी जो है पी बी ये किसके बराबर होगा, अगर पी ए बी का मध्य बिंदु है तो पी बी किसके बराबर होगा, अगर ए बी ए है तो पी बी होगा ए बटा दो, क्योंकि पी क्या है ए बी का मध्य बिंदु। उसी तरह बी क्यू, ठीक है, बी क्यू भी कितना होगा ए बटा दो, क्योंकि क्यू क्या है बी सी का मध्य बिंदु और बी सी क्या है ए। उसी तरह क्यू सी, क्यू सी भी कितना होगा ए ए बटा दो, क्यों, क्योंकि क्यू क्या है बी सी का मध्य बिंदु और बी सी क्या है ए, तो क्यू सी भी क्या होगा हमारा ए बटा दो। उसी तरह सी आर, सी आर क्या है, आर क्या है हमारा सी डी का मध्य बिंदु और सी डी कितना है ए के बराबर, तो सी आर कितना हो जाएगा ए बटा दो, ठीक है। तो ये सारे पी बी बी क्यू क्यू सी सी आर ये किसके बराबर हो जाएंगे ए बटा दो के। त्रिभुज पी बी क्यू, हरे त्रिभुज में देखिए पी बी क्यू में पी बी बराबर बी क्यू बराबर ए बटा दो है, तो इस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई। अब हमने अध्याय सात की प्रमेय 7.2 में पढ़ा था त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इन दोनों भुजाएं पी बी और बी क्यू इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, तो कोण बी पी क्यू को हमने मान लिया कोण एक्स और कोण बी क्यू पी इसको भी मान लिया हमने कोण एक्स, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है प्रमेय 7.2 से। अब त्रिभुज पी बी क्यू में तीनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री, तो कोण बी पी क्यू, ठीक है, ये वाला जो कोण है कोण बी पी क्यू धन कोण बी, ये वाला कोण धन कोण बी पी क्यू बी क्यू पी धन कोण बी क्यू पी ये वाला कोण बराबर 180 डिग्री होगा, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। बी पी क्यू और बी क्यू पी ये किसके बराबर है कोण एक्स के, तो इसकी जगह रख देंगे हम कोण एक्स, तो ये हो जाएगा मेरा कोण एक्स धन कोण बी धन कोण एक्स बराबर 180 डिग्री, कोण एक्स धन कोण एक्स हो जाएगा दो गुणा कोण एक्स, दो गुणा कोण एक्स धन कोण बी बराबर मेरा आ गया 180 डिग्री। इसे हम मान लेंगे समीकरण 8। अब त्रिभुज क्यूसीआर में, यह हरे त्रिभुज में देखिए क्यूसी और सीआर ए बटा दो के बराबर है, अभी हमने निकाला था, ठीक है। तो प्रमेय 7.2 में हमने पढ़ा था त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो त्रिभुज क्यूसीआर में हरे वाले त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है क्यू सी और सी आर, तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, तो कोण सी क्यू आर, कोण सी क्यू आर को मान लिया हमने कोण वाई
और कोण सी आर क्यू, इसको भी मान लिया हमने कोण वाई, ठीक है, क्योंकि सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण है तो ये कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है, इनको हमने मान लिया कोण वाई। अब इस त्रिभुज त्रिभुज क्यू सी आर, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तो कोण सी क्यू आर ये वाला कोण, धन कोण सी ये वाला कोण, धन कोण सी आर क्यू ये वाला कोण बराबर 180 डिग्री होगा। और कोण क्यू सी क्यू आर और कोण सी आर क्यू को मैं क्या रख सकता हूँ, कोण वाई, तो कोण सी क्यू आर को रख दूंगा मैं कोण वाई, कोण सी क्यू आर हो गया कोण वाई, धन कोण सी ऐसा ही आ गया, और कोण सी आर क्यू को भी क्या रख दूंगा कोण वाई, कोण सी आर क्यू को भी रख दिया कोण वाई बराबर 180 डिग्री। कोण वाई धन कोण वाई क्या हो जाएगा, 2 गुणा कोण वाई और फिर धन कोण सी बराबर 180 डिग्री। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 9। एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, ठीक है, अगर समचतुर्भुज एबीसीडी जो प्रश्न में दिया गया है तो उसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी, ए बी और सी डी समानांतर होंगे। अब हमें पता है यहाँ पर देखिए दो समांतर रेखाओं ए बी और सी डी, ए बी और सी डी समांतर रेखाएं, उन्हें एक तिर्यक रेखा बी सी प्रतिच्छेद कर रही है, बी सी एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। अब हमने अध्याय 6 के प्रमेय 6.4 में पढ़ा था, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, दो समांतर रेखाओं को, ठीक है, जो यहाँ कर रही है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो तिर्यक रेखा बी सी के बाई तरफ के दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो हम कह देंगे कोण बी धन कोण सी, कोण बी धन कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 10। समीकरण 8 में हमने निकाला था 2 गुणा कोण एक्स धन कोण बी बराबर 180 डिग्री, उसी तरह समीकरण 9 में हमने निकाला था 2 गुणा कोण वाई धन कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब हम समीकरण 8 और समीकरण 9 को जोड़ देते हैं, तो दोनों की बाई तरफ को जोड़ देंगे और दोनों की दाई तरफ को जोड़ देंगे, तो बाई तरफ को जोड़ेंगे तो 2 गुणा कोण एक्स धन कोण बी धन कोण 2 गुणा कोण वाई धन कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री धन 180 डिग्री। अब 2 गुणा कोण एक्स और 2 गुणा कोण वाई में से 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा कोण एक्स धन कोण वाई 2 गुणा, और कोण बी और कोण सी को भी ब्रैकेट में लिख दिया हमने, बराबर 180 धन 180 हो गया 360 डिग्री। अब समीकरण 10 में हमने निकाला था कोण बी धन कोण सी बराबर 180 डिग्री, तो कोण बी धन कोण सी को हम कितना रख देंगे 180 डिग्री रख देंगे यहाँ पर, तो हमारा समीकरण होगा कोण बी धन कोण सी को 180 डिग्री रख देंगे, तो 2 गुणा कोण एक्स धन कोण वाई ये तो ऐसा ही रहेगा, कोण बी धन कोण सी को रख देंगे हम 180 डिग्री, कोण बी धन कोण सी को रख दिया हमने 180 डिग्री। अब 360 में से 180 जाएगा तो हमारा 180 बचेगा दाईं तरफ, ठीक है, तो 2 गुणा कोण एक्स धन कोण वाई बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब 2 से भाग देंगे तो 2 चला जाएगा, तो कोण एक्स धन कोण वाई बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कोण एक्स धन कोण वाई बराबर हमारा आ गया, कोण एक्स धन कोण वाई बराबर आ गया 90 डिग्री। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 11। समीकरण 11 में हमने निकाला कोण एक्स धन कोण वाई बराबर 90 डिग्री। अब हम देखते हैं कोण एक्स यहां पर बिंदु क्यू पर बीसी का जो है एक रेखीय युग्म बन रहा है, ठीक है, तीनों कोण कोण एक्स धन कोण क्यू धन कोण वाई बराबर 180 डिग्री होगा क्योंकि ये रेखीय युग्म बना रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कोण क्यू धन कोण एक्स धन कोण वाई, ठीक है, बराबर 180 डिग्री, और कोण एक्स धन कोण वाई बराबर कोण एक्स धन कोण वाई बराबर कितना आ रहा है हमारा 90 डिग्री, तो यहाँ पर कोण एक्स धन कोण वाई की जगह हम क्या रख देंगे 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा कोण क्यू धन 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, 180 में से 90 जाएगा तो बचेगा 90, तो कोण क्यू बराबर कितना आ गया 90 डिग्री, तो कोण एक्स भी मेरा कितना आ जाएगा 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं और हमने अभी निकाला था पी क्यू आर एस हमारा क्या है समांतर चतुर्भुज है, तो कोण एस भी 90 डिग्री आ गया, और कोण पी और कोण आर भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। कोण क्यू बराबर 90 डिग्री अभी हमने निकाला और कोण एस बराबर भी 90 डिग्री निकाला हमने, कोण पी बराबर कोण आर होगा और हमें पता है एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, तो कोण पी धन कोण क्यू धन कोण आर धन कोण एस बराबर 360 डिग्री होगा, ठीक है, क्यू का मान हम रख देंगे 90 डिग्री और एस का मान भी रख देंगे 90 डिग्री, क्यू की जगह रख दिया 90 डिग्री, एस की जगह भी रख दिया 90 डिग्री, तो और आर की जगह हमने क्या रख दिया क्योंकि कोण पी बराबर कितना है कोण आर, तो कोण आर की जगह रख दिया हमने कोण पी, तो कोण पी धन कोण पी हो गया 2 गुणा कोण पी, और 360 में से 90 और 90 गए तो बचे 180 डिग्री, तो 2 गुणा कोण पी बराबर आ गया हमारा 180 डिग्री,
फिर 2 से भाग देंगे 180 को, तो कोण पी बराबर कितना जाएगा 90 डिग्री। कोण पी बराबर आ गया हमारा 90 डिग्री, और हमें पता है कोण पी बराबर कोण आर है, ठीक है, कोण पी 90 डिग्री है, कोण पी और कोण आर बराबर है, तो कोण आर भी हमारा कितना जाएगा 90 डिग्री। अभी हमने निकाला कोण पी बराबर 90 डिग्री, कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, कोण आर बराबर 90 डिग्री और कोण एस बराबर 90 डिग्री। और समीकरण 7 में हमने निकाला था पी क्यू और एस आर आपस में बराबर है, उसी तरह समीकरण 5 में हमने निकाला था पी एस और क्यू आर आपस में बराबर है। और हमने अध्याय 8 के परिचय में जो है आयत की परिभाषा पढ़ी थी कि एक चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर हो। यहाँ पर देखिए चतुर्भुज की पी क्यू और एस आर बराबर है एक युग्म, और दूसरा युग्म पी एस और क्यू आर बराबर है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। यहाँ पर देखिए सारे कोण पी क्यू आर है सब 90 डिग्री के हैं, तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। यहां से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पी क्यू आर एस क्या है, हमारा आयत है, ठीक है, पी क्यू आर एस एक आयत है। यही हमें सिद्ध करना था इस प्रश्न में, हमने सिद्ध कर दिया, हम कह सकते हैं इति सिद्धम। प्रश्न 3 में हमें दिया गया है एबीसीडी एक आयत है, तो एबीसीडी एक आयत हमने बना लिया एबीसीडी, और हमें दिया गया है कि पी जो है भुजा एबी का मध्य बिंदु है, तो पी हमने ले लिया भुजा एबी का मध्य बिंदु। फिर हमें दिया गया क्यू जो है बीसी का मध्य बिंदु है, हमने क्यू बिंदु ले लिया जो बीसी का मध्य बिंदु है। हमें दिया गया आर जो है सीडी का मध्य बिंदु है, तो आर हमने ले लिया सीडी का मध्य बिंदु। और हमें दिया गया एस जो है वो डीए का मध्य बिंदु है, तो एस हमने ले लिया डीए का मध्य बिंदु। अब हम इन चारों बिंदुओं को मिला मध्य बिंदुओं को मिला देते हैं पी क्यू आर एस को, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें यहाँ पर दर्शाना है कि पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज होगा। तो दोस्तों सम चतुर्भुज की परिभाषा हमने पढ़ी थी परिचय के वीडियो में। सम चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जो समांतर चतुर्भुज हो और उसकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो यहाँ पर पी क्यू आर एस, इसमें हम पहले क्या सिद्ध करेंगे कि पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज है, फिर हम सिद्ध करेंगे कि पी क्यू आर एस की चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तब हम कह पाएंगे कि पी क्यू आर एस जो है हमारा सम चतुर्भुज है। आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं, तो उसके लिए हमें छोटी सी रचना करनी होगी। शीर्ष ए और सी को जोड़िए, ठीक है, विकर्ण एसी को जोड़ दिया हमने। अब त्रिभुज एबीसी में नीचे वाला जो पीला त्रिभुज है एबीसी, इसमें देखिए पी बिंदु जो है भुजा एबी का मध्य बिंदु है, प्रश्न में दिया गया है पी जो है एबी का मध्य बिंदु है। उसी प्रकार प्रश्न में दिया गया है क्यू जो है वो हमारा बीसी का मध्य बिंदु है, ठीक है, तो पी और क्यू हमने बना लिए। अब हमने अध्याय 8 के प्रमेय 8.9 में पढ़ा था किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, ठीक है, यहाँ पर देखिए कौन सी दो भुजाएं होंगी ए बी और बीसी, किन्हीं दो भुजाओं ए बी और बीसी, ये इस प्रश्न के लिए लिखा है ए बी और बीसी मैंने, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं, ठीक है, पी ए बी का मध्य बिंदु है और क्यू जो है बीसी का मध्य बिंदु है, को मिलाने वाला रेखाखंड, यानी कि पी और क्यू को मिलाने वाला रेखाखंड, तीसरी भुजा, ठीक है, इस त्रिभुज की तीसरी भुजा कौन सी होगी, ए सी के समांतर होगा और तीसरी भुजा का आधा होगा, ठीक है, तो हम लिख पाएंगे कि जो पी क्यू है वो तीसरी भुजा ए सी का आधा होगा, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है, तो पी क्यू जो है और ए सी का आधा हो गया, पी क्यू ए सी के समानांतर भी होगा, प्रमेय में दिया हुआ है समांतर और आधा, ठीक है, तो पी क्यू जो है इसी के समांतर भी होगा, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब दोस्तों ठीक उसी प्रकार त्रिभुज एडीसी में ऊपर वाले त्रिभुज में हरे त्रिभुज में आर जो है भुजा सी डी का मध्य बिंदु है, आर सी डी का मध्य बिंदु है ये दिया हुआ है प्रश्न में, और एस जो है भुजा डीए का मध्य बिंदु है, एस जो है डीए का मध्य बिंदु है ये भी प्रश्न में दिया गया है। अब वही प्रमेय 8.9 किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, ठीक है, तो यहाँ इस त्रिभुज में कौन कौन सी भुजाएं हम देख रहे हैं सी डी और डीए, ठीक है, सी डी का मध्य बिंदु क्या है आर, ठीक है, ये हो गया, और डीए का मध्य बिंदु क्या है एस, इनको मिलाने वाला रेखाखंड, तीसरी भुजा कौन सी यहाँ पर एसी, तीसरी भुजा के समांतर भी होता है और आधा भी होता है, ठीक है, तो हम कह पाएंगे एस आर जो है तीसरी भुजा एसी का आधा है, ठीक है, एस आर तीसरी भुजा एसी का आधा है, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3, और एस आर जो है तीसरी भुजा एसी के समांतर भी होगा, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 4। तो हमने समीकरण 1 में निकाला था पी क्यू बराबर 1/2 AC, पी क्यू जो है एसी का आधा है, और समीकरण 3 में हमने निकाला था एस आर बराबर 1/2 AC, एस आर जो है 1/2 AC है, एसी का आधा है।
अब देखिए समीकरण एक में दाईं तरफ 1/2 ए सी है, समीकरण तीन में भी दाईं तरफ 1/2 ए सी है, मतलब पी क्यू जो है 1/2 ए सी के बराबर है और एस आर भी 1/2 ए सी के बराबर है। तो समीकरण एक और तीन बराबर होंगे तो हम क्या पाएंगे, पी क्यू जो है वो एस आर के बराबर है। तो हमने कह दिया पी क्यू बराबर एस आर, ठीक है, पी क्यू और एस आर आपस में बराबर हो गए। इसे हम मान लेते हैं समीकरण पांच। समीकरण दो में हमने निकाला था पी क्यू और ए सी जो है आपस में समानांतर है। उसी प्रकार समीकरण चार में हमने निकाला था एस आर और ए सी ये आपस में समानांतर है। तो अब आप देखिए पी क्यू जो है ए सी के समानांतर है, पी क्यू जो है वो ए सी के समानांतर है। समीकरण चार में एस आर जो है वो भी ए सी के समानांतर है, एस आर भी ए सी के समानांतर है। तो ये तीनों आपस में समानांतर होंगी। तो हम यहाँ से क्या पाएंगे कि जो पी क्यू है वो एस आर के समांतर है, क्योंकि ये दोनों ही ए सी के समानांतर है, ठीक है। तो पी क्यू और एस आर समांतर रेखाएं हैं, समांतर भुजाएं हैं, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं समीकरण छह। तो अभी अभी हमने समीकरण पांच में निकाला था पी क्यू और एस आर बराबर है, और समीकरण छह में हमने निकाला था पी क्यू और एस आर जो है वो समानांतर है। अब दोस्तों इसी अध्याय की प्रमेय 8.8 की वीडियो में हमने पढ़ा था कि कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा यदि उस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, ठीक है, कोई भी दो सम्मुख भुजाएं जो है मतलब एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। तो यहाँ पर देखिए पी क्यू और एस आर में पी क्यू और एस आर बराबर भी है और समानांतर भी है, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो चतुर्भुज है पी क्यू आर एस ये एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया कि पी क्यू आर एस जो है एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। पर हमें क्या निकालना था, पी क्यू आर एस सम चतुर्भुज है। तो अब हमें ये निकालना बाकी रह गया कि पी क्यू आर एस की सभी भुजाएं बराबर हैं। पी क्यू आर एस की सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो हम कह पाएंगे कि पी क्यू आर एस सम चतुर्भुज है। अभी हमने निकाला पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। भुजा ए डी भुजा बी सी के बराबर होगी, क्यों, क्योंकि ये आयत की सम्मुख भुजाएं हैं और हमें पता है कि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। ए डी 1/2 ए डी बराबर 1/2 बी सी, दोनों तरफ 1/2 का गुणा कर दिया हमने तो ये चीज बराबर ही रहेगी, ठीक है। तो दोनों तरफ 1/2 का गुणा करेंगे तो बराबर ही रहेगा। तो 1/2 ए डी किसके बराबर होगा, 1/2 बी सी के। अब आप देखिए ऐसे बराबर जो ऐसे है 1/2 ए डी होगा, क्यों, क्योंकि एस जो है भुजा डी ए का मध्य बिंदु है, तो ऐसे जो है वो ए डी का आधा होगा। तो ऐसे बराबर 1/2 ए डी लिख दिया हमने। उसी तरह जो क्यू बी है वो बी सी का आधा होगा, क्योंकि क्यू जो है भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, तो क्यू बी बराबर हो गया 1/2 बी सी, ठीक है। अब 1/2 ए डी जो है वो 1/2 बी सी के बराबर है, 1/2 ए डी 1/2 बी सी के बराबर है, तो ऐसे और क्यू बी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम कह देंगे ऐसे बराबर क्यू बी, ठीक है। तो ऐसे और क्यू बी हमारे बराबर हो गए। इसे हम मान लेते हैं समीकरण सात। त्रिभुज ऐसे पी और त्रिभुज क्यू बी पी में, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज हैं पीले और हरे त्रिभुज। इसमें आप देखिए ऐसे बराबर क्यू बी, ये तो अभी हमने समीकरण सात में निकाला था, ऐसे और क्यू बी बराबर है, ठीक है। ये भुजा है तो हमने एस लिख दिया साइड। कोण ए बराबर कोण बी, क्यों, क्योंकि ए बी सी डी एक आयत है और आयत के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। कोण ए और कोण बी बराबर हो गए। अब ए पी बराबर बी पी, ए पी और बी पी आपस में बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि जो पी बिंदु है वो भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो ए पी और बी पी आपस में बराबर होंगे, और ये एस है तो इसके लिए हम साइड के लिए एस लिख देंगे, भुजा के लिए एस। और कोण ए बराबर कोण बी था तो कोण के लिए हमने ए लिख दिया एंगल। अब एस एस प्रमेय से क्या होगा, क्रम को समझ लेते हैं। एस एस में क्या करते हैं हम, पहली भुजा का पहला अक्षर, फिर कोण, और फिर दूसरी भुजा का दूसरा अक्षर। तो हमारा हो जाएगा एस एस नियम के द्वारा कोण त्रिभुज एस ए पी सर्वांग सम होगा। दाईं तरफ देखिए पहली भुजा का पहला अक्षर कोण, दूसरी भुजा का दूसरा अक्षर कोण क्यू बी पी। तो हम यहाँ पर कह पाएंगे कि एस ए पी और क्यू बी पी त्रिभुज जो है आपस में सर्वांग सम है। अभी हमने निकाला त्रिभुज एस ए पी और त्रिभुज क्यू बी पी सर्वांग सम है। तो हमें पता है सी पी सी टी से सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ पर पहला और आखिरी ले लीजिए एस पी हो जाएगा, दाईं तरफ भी पहला और आखिरी लेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू पी। तो एस पी और क्यू पी हमारे बराबर हो गए। एस पी को हम क्या लिख सकते हैं, पी एस लिख सकते हैं, और क्यू पी को हम पी क्यू लिख देते हैं, ठीक है। तो पी एस जो है बराबर आ गया हमारा पी क्यू के। अब हमने समीकरण पांच में निकाला था पी क्यू जो है वो एस आर के बराबर है, तो पी क्यू एस आर के बराबर हो गया।
अब हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, और PQSR समांतर चतुर्भुज है, ये हमने अभी दर्शाया था। तो PS और QR जो है आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। अब आप देखिए, PS जो है वो PQ, PS जो है PQ के बराबर है, तो हमने PS को PQ के बराबर रख दिया। PQ किसके बराबर है? SR के, तो PQ को हमने रख दिया SR के बराबर। और PS किसके बराबर है? QR के, तो PS के बराबर रख दिया हमने QR। ठीक है, तो ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। अब बस इसको हम क्रम में लिख देते हैं, PQ बराबर QR बराबर SR बराबर PS, PQ बराबर QR बराबर SR बराबर PS। ठीक है, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। हमने अभी ज्ञात किया था PQRS जो है हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, और अभी अभी हमने निकाला PQ बराबर QR बराबर SR बराबर PS, इस समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर है। अब हमने इसी अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था, एक समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, ठीक है, वो चतुर्भुज क्या कहलाता है? सम चतुर्भुज कहलाता है। अब यहाँ पे PQRS एक समांतर चतुर्भुज है और उसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो PQRS हमारा क्या कहलाएगा? एक सम चतुर्भुज कहलाएगा। और ये हमें सिद्ध करना था, PQRS एक सम चतुर्भुज है, तो हमने सिद्ध किया PQRS जो है वो एक हमारा सम चतुर्भुज है, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। प्रश्न चार, जो प्रश्न चार में दिया गया है पहले हम वो जान लेते हैं। हमें दिया गया ABCD एक समलंब है, तो हमने ABCD एक समलंब बना दिया। समलंब में हमें पता है सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, तो यहाँ पर वो दे रखा है AB और DC आपस में समानांतर है। BD एक विकर्ण है, B और D को जोड़ के विकर्ण बना दिया। ये भुजा AD का मध्य बिंदु है, AD का मध्य बिंदु है मतलब कि D और AE ये आपस में बराबर होंगे। फिर कहा गया E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची, तो E से होकर AB के समानांतर, ठीक है, AB के समानांतर, AB जो है ये इसके समानांतर एक रेखा खींच दी, ठीक है, जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है, जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, तो EF समानांतर हो जाएगा AB के, ठीक है, क्योंकि E से होकर जो रेखा खींची थी वो AB के समानांतर है। और हमें सिद्ध करना है जो F है भुजा BC का मध्य बिंदु है, F जो है भुजा BC ये पूरी भुजा का मध्य बिंदु है, इसका मतलब क्या होगा? CF, CF ये बराबर होगा BF इसके, तभी F जो है BC का मध्य बिंदु होगा। तो हमें F BC का मध्य बिंदु है सिद्ध करने के लिए क्या सिद्ध करना होगा? CF बराबर BF, ठीक है। मान लेते हैं कि EF और BD आपस में एक दूसरे को G पर काटते हैं, ठीक है। अब त्रिभुज ABD में, हरे त्रिभुज में देखिए, हमें प्रश्न में दिया गया E जो है भुजा AD का मध्य बिंदु है, E जो है भुजा AD का मध्य बिंदु है प्रश्न में दिया गया है, ठीक है। तो ये E बिंदु है भुजा AD का मध्य बिंदु है, EF समानांतर है AB के, तो ये भी प्रश्न में दिया गया है, E से होकर एक रेखा खींची जो AB के समानांतर है, ठीक है, तो EF और AB समानांतर है, ठीक है। अब G बिंदु जो है, G बिंदु को ध्यान से देखिए, ये G बिंदु कहाँ पर है? ये G बिंदु हमारा EF पर ही है, ठीक है। तो अगर EF AB के समानांतर है तो EG भी AB के समानांतर होगा, तो EG और AB समानांतर हो जाएंगे क्योंकि G बिंदु EF पर ही आता है, तो EG समानांतर AB के हो गया। अब 8.10 प्रमेय में हमने पढ़ा था मध्य बिंदु प्रमेय का जो विलोम थी, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था किसी त्रिभुज की एक भुजा, ठीक है, यहाँ पे वो भुजा हमने मान लिया AD, ठीक है, इस त्रिभुज की AD भुजा के मध्य बिंदु E से होकर दूसरी भुजा, दूसरी भुजा यहाँ मान ली हमने AB के समांतर, दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची, तो तीसरी भुजा को वो कहाँ पे काटता है? समद्विभाजित करता है, तो बराबर भागों में काटता है, ठीक है। तो तीसरी भुजा कौन सी है? BD, तो तीसरी भुजा को जहां पर भी काटेगा वो उसका मध्य बिंदु होगा, क्योंकि तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, तो यहां से हम कह सकते हैं जी जो है भुजा BD का मध्य बिंदु होगा, ठीक है, जी जो है भुजा BD का मध्य बिंदु होगा, तो DG और BG आपस में बराबर होंगे, जी भुजा BD का मध्य बिंदु होगा, इसे हम मान लेते हैं समीकरण एक। AB और DC समानांतर हैं, ये हमें प्रश्न में ही दिया गया, AB और DC समानांतर हैं, AB और DC समानांतर हैं, EF और AB समांतर हैं, ये भी प्रश्न में दिया गया है, क्योंकि E से होकर एक रेखा खींची जो AB के समांतर है, जो F पर प्रतिच्छेद करती है, तो EF और AB भी आपस में समानांतर हैं। अब आप देखिए DC जो है वो AB के समानांतर है और EF जो है वो भी AB के समानांतर है, तो DC और EF आपस में समानांतर होंगे, क्योंकि ये तीनों भुजाएं AB, EF
और डीसी आपस में समानांतर हैं, तो ईएफ और डीसी भी आपस में समानांतर होंगे, तो ईएफ और डीसी आपस में समानांतर हो गए। अब आप देखिए, ईएफ भुजा पर ही ये बिंदु है हमारा जी, जी बिंदु जो है ईएफ भुजा पर ही है, ठीक है। तो अगर ईएफ और डीसी समांतर हैं तो जीएफ और डीसी भी समांतर होंगे, तो जीएफ और डीसी हमारे समांतर होंगे, ठीक है, जीएफ और डीसी समांतर होंगे। इसे हम मान लेते हैं समीकरण दो, जी जो है भुजा बीडी का मध्य बिंदु है, ये हमने समीकरण एक में निकाला था, ठीक है। जी जो है भुजा बीडी का मध्य बिंदु है और जीएफ और डीसी समानांतर हैं, ये भी हमने समीकरण दो में निकाला था, जीएफ और डीसी समानांतर हैं। अब त्रिभुज बीसीडी में, पीले वाले त्रिभुज में देखिए, प्रमेय 8.10 में हमने क्या पढ़ा था, किसी त्रिभुज की एक भुजा, ठीक है, यहाँ पे वो भुजा कौन सी है, बीडी, ठीक है, किसी त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु जो कि जी है से दूसरी भुजा के समांतर है, तो डीसी के समांतर, ठीक है, जी क्योंकि जीएफ और डीसी समानांतर है, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा यहाँ पर कौन सी होगी, बीसी, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगी, ठीक है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगी, यानी कि तीसरी भुजा को यहाँ पर भी मिलेगी, यहाँ पर कहाँ मिल रही है, एफ पर तीसरी भुजा बीसी को समद्विभाजित करेगी, तो हम कह पाएंगे एफ जो है भुजा बीसी का मध्य बिंदु होगा, एफ भुजा बीसी का मध्य बिंदु होगा, और यही हमें सिद्ध करना था यहाँ पर कि एफ जो है भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। प्रश्न पांच में हमें दिया गया एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, तो हमने एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज खींच लिया। फिर हमें दिया गया ई जो है भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, ई ए बी का मध्य बिंदु बना लिया, एफ जो है सी डी का मध्य बिंदु है, तो एफ सी डी का मध्य बिंदु ले लिया हमने, बी डी विकर्ण है, ठीक है, बी डी विकर्ण खींच लिया। अब हम मान लेते हैं कि जो ए एफ है, ए एफ वो बी डी को जो है पी बिंदु पर काटता है, उसी तरह हम मान लेते हैं कि जो ई सी है, ई सी बी डी विकर्ण को क्यू पर प्रतिच्छेद करता है, तो हमें क्या सिद्ध करना है कि जो ए एफ है और ई सी है वो विकर्ण बी डी को समत्विभाजित करते हैं, ठीक है, मतलब कि ए एफ और ई सी, ए एफ और ई सी जो है ये विकर्ण बी डी को, बी डी जो विकर्ण है उसको समत्विभाजित करते हैं, मतलब तो तीन बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। इसका मतलब क्या हुआ, डी पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू पी क्यू बी, ये हमें सिद्ध करना होगा, डी पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी, तब हम क्या पाएंगे कि रेखाखंड ए एफ और ई सी विकर्ण बी डी को समत्विभाजित कर रहे हैं, तीन बराबर भागों में बांट रहे हैं। ई जो है भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है, तो ए ई बराबर 1/2 ए बी होगा, ठीक है, क्योंकि ई भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, तो ए ई जो है ए बी का आधा होगा। उसी प्रकार एफ जो है भुजा सी डी का मध्य बिंदु है, तो सी एफ जो है सी डी का आधा होगा, ठीक है, हमने लिख दिया। अब ए बी बराबर सी डी, ए बी और सी डी बराबर है, क्यों, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की सम्मुख भुजाएं हैं, और हमने परिचय के वीडियो में पढ़ा था समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। अब दोनों तरफ 1/2 का गुणा कर देते हैं, दोनों तरफ 1/2 का गुणा कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 ए बी बराबर 1/2 सी डी, ठीक है। अब 1/2 ए बी किसके बराबर है, ए ई के, तो 1/2 ए बी की जगह क्या रख दूंगा मैं, ए ई, और 1/2 सी डी किसके बराबर है, सी एफ के, तो 1/2 सी डी की जगह रख दूंगा मैं सी एफ, ठीक है, तो मेरा ए ई बराबर सी एफ हो गया, ए ई और सी एफ आपस में बराबर हो गए। इसको हम मान लेते हैं समीकरण एक। अब ए बी और सी डी समांतर हैं, ए बी और सी डी समांतर भुजाएं होंगी, क्यों, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, और हमें पता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो है एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो ए बी और सी डी समानांतर होंगे। अगर ए बी और सी डी समांतर होंगे तो ए ई और सी एफ भी समांतर होंगे, क्योंकि ए ई जो है ए बी का ही भाग है और सी एफ जो है वो सी डी का ही भाग है, तो हम क्या पाएंगे, ए ई समानांतर सी एफ, ए ई और सी एफ समानांतर होंगे। इसे हम मान लेते हैं समीकरण दो। अभी समीकरण एक में हमने निकाला है AE और CF बराबर है, और समीकरण दो में हमने निकाला है AE और CF आपस में समानांतर है। अध्याय 8 की प्रमेय 8.8 में हमने पढ़ा था, कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाएगा यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर भी हो समांतर भी हो। तो यहाँ पर देखिए AE CF में, ठीक है, AE बराबर CF है और AE और CF समानांतर है, ठीक है, तो AE CF क्या होगा, हमारा समांतर चतुर्भुज होगा, तो हम कह देंगे AECF एक समांतर चतुर्भुज है। अब
समांतर चतुर्भुज के बारे में हमें पता है, उसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, तो ए एफ और सी या ई सी, ए एफ और ई सी, ये जो दो भुजाएं हैं ये आपस में समानांतर होंगी। क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। अभी अभी हमने ज्ञात किया ए सी एफ समांतर चतुर्भुज होगा, और हमें पता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, तो ए एफ और ई सी ये आपस में समांतर होंगे। ए एफ समानांतर ई सी, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3। ए एफ और ई सी समानांतर हैं, ये हमने अभी समीकरण 3 में निकाला है। ए एफ और ई सी समानांतर हैं, ठीक है। तो एपी और EQ भी समांतर होगा, क्योंकि AP क्या है, AF का हिस्सा है, और EQ क्या है, EC का हिस्सा है। तो AP और EQ समानांतर होंगे, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 4। AF और EC समांतर है, तो AF का दूसरा हिस्सा क्या है, PF, और EC का दूसरा हिस्सा है QC। तो हम क्या पाएंगे कि PF और QC समांतर होंगे, PF और QC समानांतर होंगे। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 5। त्रिभुज ABP में, पीले वाले त्रिभुज में, ई जो है भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, ये प्रश्न में ही दिया गया है, ठीक है। और एपी और ई क्यू समांतर है, ये अभी हमने समीकरण 4 में निकाला है। तो प्रमेय 8.10 में हमने पढ़ा था, किसी त्रिभुज के एक भुजा, यहाँ पे वो भुजा हो गई ए बी, ठीक है, त्रिभुज ए बी पी में, त्रिभुज ए बी पी में देखिए, किसी त्रिभुज की एक भुजा ए बी की भुजा के मध्य बिंदु ई से दूसरी भुजा यहाँ पर हो गई ए पी के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा बीपी को समद्विभाजित करती है, मतलब मध्य बिंदु पर काटती है, दो बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ पर हम क्या पाएंगे कि क्यू बिंदु जो है भुजा बीपी को दो बराबर भागों में बांटता है, मतलब उसका मध्य बिंदु होगा, ठीक है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ पी क्यू जो है क्यू बी के बराबर होगा। तो पी क्यू और क्यू बी आपस में बराबर होंगे, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 6। त्रिभुज सी डी क्यू में, ये हरे वाले त्रिभुज में देखिए, एफ जो है सी डी का मध्य बिंदु है, ये तो हमें प्रश्न में दिया गया है, ठीक है। और पी एफ और क्यू सी समानांतर है, ये हमने समीकरण 5 में निकाला था, पी एफ और क्यू सी समानांतर है। अब प्रमेय 8.10, किसी त्रिभुज की एक भुजा, तो यहाँ पे वो भुजा है हमारी सी डी, ठीक है, सी डी, इसके मध्य बिंदु से दूसरी भुजा यहाँ पर है हमारी क्यू सी, इसके समांतर खींची गई रेखा, इसके तीसरी भुजा डी क्यू को कहां पर समद्विभाजित करती है, मध्य बिंदु पर डी क्यू को समद्विभाजित करती है, ठीक है, दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है, तीसरी भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। जैसे क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जो बिंदु हमारा पी है वो डी क्यू का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। इसका मतलब क्या होगा, पी क्यू बराबर डी पी, डी पी और पी क्यू आपस में बराबर होंगे। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 7। समीकरण 6 में हमने निकाला पी क्यू बराबर क्यू बी, और समीकरण 7 में हमने निकाला था पी क्यू बराबर डी पी, ठीक है। अब आप देखिए, पी क्यू जो है क्यू बी के भी बराबर है, और पी क्यू जो है डी पी के भी बराबर है, ठीक है। तो ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो हम लिख देंगे पी क्यू बराबर क्यू बी, और फिर पी क्यू किसके बराबर है, डी पी के, तो बराबर डी पी, ठीक है। अब हम इनका क्रम बदल देते हैं बस, तो डी पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी, ठीक है। तो ये तीनों बराबर हो गए हमारे, डी पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी, ये तीनों बराबर हो गए। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो रेखाखंड ए एफ है, रेखाखंड ए एफ और रेखाखंड ई सी विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित कर रहे हैं, मतलब तीन बराबर भागों में बांट रहे हैं, डी पी पी क्यू और क्यू बी में तीन बराबर भागों में बांट रहे हैं, और यही हमें बताना था। तो जो हमें सिद्ध करना था वो हमने सिद्ध कर दिया, तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम। प्रश्न 6 में हमें कहा गया है, दर्शाइए किसी चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज हो, कि सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो जो हमें प्रश्न में दिया गया उसे हम समझ लेते हैं, ABCD एक चतुर्भुज दिया गया है, तो हम कोई भी चतुर्भुज खींच सकते हैं, हमने ये चतुर्भुज बना दिया ABCD। अब हमें दिया गया P जो है AB का मध्य बिंदु, Q जो है BC का मध्य बिंदु, R CD का मध्य बिंदु और S DA का मध्य बिंदु। अब हमें कहा गया है कि इन मध्य बिंदुओं को सम्मुख भुजाओं वाले मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं सम्मुख भुजाएं AB और CD को मिलाने के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है PR। उसी तरह सम्मुख भुजाओं BC और DA के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है SQ। तो हमें सिद्ध करना है रेखाखंड PR और SQ एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये हमें सिद्ध करना है।
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एसओ और ओक्यू आपस में बराबर होगा क्योंकि एसक्यू दो बराबर भागों में बटेगा, उसी प्रकार आरओ और ओपी ये आपस में बराबर होगा क्योंकि आरपी जो है, पीआर जो रेखाखंड है वो भी समद्विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो हमें यहां पर सिद्ध करना है एसओ बराबर ओक्यू और आरओ बराबर ओपी। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी, तो वो हम कर लेते हैं। पी और क्यू को जोड़ेंगे, क्यू और आर को जोड़ेंगे, आर और एस को जोड़ेंगे और एस और पी को जोड़ेंगे। तो हमने पी क्यू को जोड़ दिया, क्यू आर को जोड़ दिया, एस आर को जोड़ दिया और एस पी को जोड़ दिया। ठीक है, और ए और सी को जोड़ देंगे, और ए और सी को जोड़ देंगे। तो ये हमने रचना की है इस प्रश्न को हल करने के लिए। अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में पी जो है भुजा एबी का मध्य बिंदु है, ठीक है, और क्यू जो है भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, यह हमें प्रश्न में ही दिया गया है। ठीक है, तो हमने प्रमेय 8.9 के वीडियो में पढ़ा था कि यदि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु हो, ठीक है, तो यहाँ पर भुजा है हमारी ए बी और बी सी, ठीक है, ए बी का मध्य बिंदु पी और बी सी का मध्य बिंदु क्यू, इन दोनों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और तीसरी भुजा का आधा होता है। तो यहाँ पर तीसरी भुजा क्या है त्रिभुज की, एसी। तीसरी भुजा है त्रिभुज की एसी, तो जो पी क्यू है वो एसी का आधा भी होगा और एसी के समानांतर भी होगा। तो हम पी क्यू और एसी जो है समानांतर होंगे और पी क्यू जो है एसी का आधा होगा, तो पी क्यू बराबर होगा 1/2 एसी, इसे हम मान लेते हैं समीकरण एक। उसी प्रकार पी क्यू जो है समानांतर होगा एसी के, इसे हम मान लेंगे समीकरण दो। त्रिभुज एसीडी में, इस त्रिभुज में हम देखते हैं आर जो है भुजा सीडी का मध्य बिंदु है और रेस जो है भुजा डीए का मध्य बिंदु है। प्रमेय 8.9, प्रमेय 8.9 क्या कहती है, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, यहाँ पर त्रिभुज की देखिए भुजा सी डी का मध्य बिंदु क्या है आर और डी ए का मध्य बिंदु क्या है एस, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, यहाँ पर वो रेखाखंड कौन सा है एस आर, ठीक है एस आर। तीसरी भुजा, तीसरी भुजा यहाँ पर कौन सी है एसी, त्रिभुज की तीसरी भुजा है एसी के समांतर भी होता है और उसका आधा भी होता है, ठीक है, यही प्रमेय कहती है 8.9। तो एस आर जो है एसी का आधा भी होगा और एसी के समानांतर भी होगा, तो हम लिख देंगे एस आर बराबर 1/2 एसी, इसे हम मान लेंगे समीकरण तीन। और एस आर एसी के समानांतर होगा तो हम लिख देंगे एस आर समानांतर एसी और इसे हम मान लेंगे समीकरण चार। समीकरण एक में हमने निकाला था पी क्यू जो है एसी का आधा होगा, तो पी क्यू जो है एसी का आधा होगा समीकरण एक में निकाला था हमने। उसी प्रकार समीकरण तीन में हमने निकाला था एस आर जो है एसी का आधा होगा, एस आर जो है एसी का आधा होगा। अब आप देखिए पी क्यू जो है वो भी एसी का आधा है और एस आर भी एसी का आधा है, ठीक है, तो पी क्यू और एस आर आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण एक बराबर समीकरण तीन, तो पी क्यू और एस आर आपस में बराबर हो जाएंगे, तो पी क्यू और एस आर आपस में बराबर हो जाएंगे, इसे हम मान लेते हैं समीकरण पांच। समीकरण दो में हमने निकाला था पी क्यू और एसी आपस में समानांतर है और समीकरण चार में हमने निकाला था एस आर और एसी आपस में समानांतर है। अब समीकरण दो और चार को हल करें। अब आप देखिए पी क्यू जो है वो भी एसी के समानांतर है और एस आर भी एसी के समानांतर है, तो ये तीनों भुजाएं जो है आपस में समानांतर होंगी, ठीक है, ये तीनों भुजाएं आपस में समानांतर होंगी, ठीक है, तो पी क्यू और एस आर आपस में समानांतर होगी, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे पी क्यू और एस आर आपस में समानांतर है, ठीक है, इसे हम मान लेते हैं समीकरण छह। अभी हमने समीकरण पांच में निकाला पी क्यू और एस आर आपस में बराबर हैं और समीकरण छह में हमने निकाला है पी क्यू और एस आर आपस में समानांतर भी हैं। तो हमने इसी अध्याय की प्रमेय 8.8 के वीडियो में पढ़ा था, कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, ठीक है, बराबर भी हो और समांतर भी हो। तो यहाँ पर देखिए पी क्यू एस आर में पी क्यू एस आर के बराबर भी है और पी क्यू एस आर के समानांतर भी है, ठीक है, पी क्यू और एस आर आपस में बराबर भी हैं और आपस में समानांतर भी हैं। तो हम यहां से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रमेय 8.8 से पी क्यू आर एस जो है वो एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है, तो हमने पी क्यू आर एस को एक समांतर चतुर्भुज निकाला भी। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है अभी हमने निकाला, और पी आर और एस क्यू जो है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है, पी आर समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का एक विकर्ण है और एस क्यू भी उसका एक विकर्ण है, ठीक है, और ओ जो है
वो बिंदु है जहां पर पी आर और एस क्यू एक दूसरे को काट रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब प्रमेय 8.6 के वीडियो में हमने पढ़ा था, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है जो कि हमने निकाला है, तो उसके विकर्ण पी आर और एस क्यू एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे, ठीक है। तो यही हमें निकालना था कि रेखाखंड पी आर और एस क्यू एक दूसरे को समद्विभाजित करते हो, क्योंकि हमें क्या दिया गया, पूछा गया प्रश्न में, दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर P और R मध्य बिंदु सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, और S और Q भी सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, इनको मिलाने वाले रेखाखंड एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं SO बराबर OQ होगा, उसी प्रकार RO बराबर OP होगा, और हमें यही सिद्ध करना था, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। प्रश्न 7, इस प्रश्न के 3 भाग हैं, तो पहले तो हम प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया एबीसी एक त्रिभुज है, तो हमने एक त्रिभुज बना लिया एबीसी, ठीक है, जिसका कि सी समकोण है, तो हमने लिख दिया कोण सी समकोण है, तो हमने कोण सी को समकोण बता दिया, ठीक है। फिर दिया गया कर्ण ए बी, कर्ण ए बी का मध्य बिंदु एम है, ठीक है, कर्ण ए बी का मध्य बिंदु एम मान लिया हमने, ठीक। अब एम से होकर बीसी के समांतर एक रेखा खींची गई, एम से होकर बीसी के समांतर एक रेखा खींची गई, ठीक है, तो एम से होकर बीसी के समांतर एक रेखा खींच ली हमने, ठीक है। मान लिया कि ये एसी को बीडी पर काटती है, ठीक है, जो प्रश्न में दिया गया है, एसी को बीडी पर काटती है, ठीक है, जो एसी को बीडी पर काटती है, ठीक है। तो जो प्रश्न में दिया गया है वो हमने अभी लिख लिया। प्रश्न 7 के पहले भाग में हमें दर्शाना है डी जो है भुजा एसी का मध्य बिंदु होगा। त्रिभुज एबीसी में एम भुजा ए बी का मध्य बिंदु है दिया गया है, और एम डी और बी सी समानांतर है ये भी हमें दिया गया है। अब प्रमेय 8.10 में हमने पढ़ा था किसी त्रिभुज की एक भुजा, ठीक है, यहाँ पर वो भुजा कौन सी है, ए बी, ठीक है, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी के मध्य बिंदु जो कि एम है, से दूसरी भुजा कौन सी है, बी सी के समानांतर, के समानांतर हमने जो रेखा खींची है, ठीक है, एम डी, वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, तो तीसरी भुजा यहाँ पर कौन सी है, ए सी, तो एम डी जो है एसी को समद्विभाजित करता है डी पर, ठीक है, तो हम लिख देंगे डी जो है भुजा एसी को समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है। अगर डी भुजा एसी को समद्विभाजित कर रहा है, इसका मतलब डी क्या है, भुजा एसी का मध्य बिंदु है, और यही हमें प्रश्न में दर्शाना था, तो हम कह देंगे इति सिद्धम, डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है। प्रश्न 7 के भाग 2 में हमें दर्शाना है कि एम डी जो है एसी पर लंब होगा। एम डी और बी सी समानांतर है, यह हमें प्रश्न में ही दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दो समांतर रेखाओं एम डी और बी सी जो कि प्रश्न में दिया गया है को एक तिरक रेखा सी ए काट रही है, ठीक है, तो कोण ए डी एम और कोण सी ये आपस में बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, संगत कोण है, दो समांतर रेखाओं को एक तिरक रेखा काट रही है तो संगत कोण बराबर होते हैं, ये हमने पढ़ रखा है। कोण सी समकोण है, यानी कि कोण सी कितना है, 90 डिग्री का है, तो कोण ए डी एम भी कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। अब कोण ए डी एम जो है 90 डिग्री का हो गया हमारा, और कोण एडीएम 90 डिग्री का है, तो हम कह सकते हैं कि जो एमडी है वो एसी पर लंब है, ठीक है, तो हमने कह दिया एमडी जो है एसी पर लंब है, और यही हमें भाग 2 में दर्शाना था, हम कह देंगे इति सिद्धम। भाग 3 में हमें बताना है सीएम बराबर एमए बराबर 1/2 AB, ठीक है, तो बिंदु एम और सी को जोड़ लेते हैं पहले। तो अब त्रिभुज एडीएम और त्रिभुज सीडीएम में, ठीक है, AD बराबर CD, AD और CD आपस में बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि जो D है वो भुजा AC का मध्य बिंदु है, ये इसी प्रश्न के पहले भाग में हमने सिद्ध किया था, D भुजा AC का मध्य बिंदु है, D अगर भुजा AC का मध्य बिंदु होगा तो AD बराबर CD होगा, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये भुजा है तो हम S कह देंगे साइड के लिए। अब कोण ADM बराबर कोण CDM, ये दोनों कोण 90 डिग्री के होंगे, क्यों, क्योंकि MD जो है लंब है AC पर, ये हमने प्रश्न 7 के भाग 2 में अभी अभी सिद्ध किया है, इसी प्रश्न के भाग 2 में सिद्ध किया, एम डी ए सी पर लंब है, तो ए डी एम और सी डी एम दोनों बराबर होंगे और 90 डिग्री के होंगे। अब ये कौन है, तो हमने ए लिख दिया, और डीएम बराबर डीएम, ये तो उभयनिष्ठ भुजा है, तो ये बराबर ही होगी, भुजा है तो हमने एस लिख दिया। अब ऐसे एस नियम से, ठीक है, तो क्रम क्या होगा, उसके लिए मैंने बताया था ऐसे एस नियम में क्रम होता है पहली भुजा का पहला अक्षर, फिर कोण, कोण का बीच का अक्षर, और दूसरी भुजा का दूसरा अक्षर, ठीक है, तो बाई तरफ
मेरा क्या हो जाएगा ऐसे इस नियम से, ए डी एम त्रिभुज एडीएम सर्वांग सम होगा, दाईं तरफ क्या होगा पहली भुजा का पहला अक्षर सी, तो लिख दिया सी, कोण कोण का बीच का अक्षर तो डी, और दूसरी भुजा का दूसरा अक्षर एम एम, तो हम कह पाएंगे यहाँ पर त्रिभुज एडीएम और त्रिभुज सीडीएम हमारे सर्वांगसम त्रिभुज हैं। त्रिभुज एडीएम और त्रिभुज सीडीएम सर्वांगसम है, ठीक है, सर्वांगसम है अगर ये दोनों त्रिभुज, तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे। तो आप देखिए भुजा के लिए पहला अक्षर और आखिरी अक्षर लिया हमने तो हो गया ए एम, दाई तरफ भी पहला और आखिरी अक्षर लेंगे तो हो जाएगा सी एम, ए एम बराबर सी एम, किस नियम से, सीपीसीटी के नियम से। और सीपीसीटी का नियम क्या कहता है हमारा, सीपीसीटी का नियम कहता है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके संगत भाग भी बराबर होंगे, तो ए एम और सी एम बराबर हो गए हमारे यहाँ पर। और बिंदु एम जो है वो कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, तो ए एम बराबर 1/2 AB होगा क्योंकि एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। अब आप देखिए सी एम बराबर किसके है, ए एम के, तो ए एम को हम एम ही लिख सकते हैं बिल्कुल, और ए एम किसके बराबर है 1/2 AB के, तो एम ए बराबर कितना हो जाएगा 1/2 AB, और यही हमें भाग तीन में दर्शाना था, तो हम कहते हैं कह सकते हैं कि हमने सिद्ध कर दिया जो भाग तीन में हमें दिखाना था, तो हम लिख देंगे इति सिद्धम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अपने सभी हिंदी माध्यम के दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में और हमारे वीडियो के बारे में बताएं, ताकि हिंदी माध्यम के अधिक से अधिक छात्र हमारे चैनल और वीडियोस का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।